जब भी घर में फ्रूट्स कम हो जाते हैं ना तो हम किसी ना किसी को बुला लेते हैं कि आपकी याद आ रही है। ऐसी राज में तो मैंने नहीं खाई, पर गाइस आप समझ रहे हैं राहुल भैया इतनी तारीफें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बीवी ने बनाई, उनकी प्यारी बीवी ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाई है। दिव्या तूने अपने पति की नाक और कॉलर ऊंचे करवा दिए, वेरी गुड। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में, और मैं हूँ दिव्या। तो हम आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं 8 बजे से, और मैं नहा धो चुकी हूँ। अब मैं चढ़ाऊंगी सूर्य पे जल, उसके बाद चलते हैं नीचे, नाश्ते की भी प्रिपरेशंस करनी है और पूजा भी करनी है। तो चलते हैं और दिखाते हैं हम आज क्या क्या करने वाले हैं और कौन आ रहा है आज हमारे घर, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं आ चुकी हूँ नीचे। तो सबसे पहले हम लोग पीने वाले हैं एक ग्लास पानी, और यहाँ भैया भी आ चुके हैं नहा धो के, और भैया आप जाएंगे मंदिर और मैं करूँगी नीचे पूजा। मुझे लग रहा है माँ पापा लोग भी आने वाले हैं एक दो दिन में, कल या परसों। कैसा लग रहा है आपको? मम्मी पापा की तरह तो अच्छा नहीं लग रहा, बट मजे भी हैं। तो पहले भैया को पापा भी होते हैं ना टोकने वाले गेम ना खेलने के लिए, तो इसलिए भैया के मज़े हैं। तो मैं सुबह सुबह पीती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हल्दी डाल के पानी पीती हूँ। गाइस यहाँ आ चुके हैं नाश्ते की तैयारी, देख सकते हैं आप लोग, मैंने सारी वेजिटेबल्स काट के रख दी है और आज नाश्ते में बनेगा उत्तपम। तो बस जैसे ही सब लोग आते हैं हम फिर नाश्ता बनाएंगे, और इधर मैंने चढ़ा दिए राजमा दिन के लिए, कल या परसों में माँ पापा लोग भी आ जाएंगे तो आप थोड़ा नीचे की सफाई भी कर लेंगे। तो अभी चलते हैं मंदिर और सबसे पहले करते हैं भगवान जी को याद। अब आ चुकी हूँ मैं पूजा करने नीचे, और ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा प्यारा सा पूजा घर। ये देखिए, अब जलाते हैं दिया। यहाँ हो गया हमारा मंदिर जगमग, आप थोड़ी सी करते हैं पूजा और उसके बाद फिर चलते हैं ऊपर। तो पहले करते हैं यहाँ ड्राइंग रूम की चादर चेंज, और मैंने ये वाली चादर निकाली है। और मैं बताना चाहूँगी कि आज रुचि दीदी की मम्मी यानी ताई जी भी आ रही है यहाँ पे, और राधा चाची और तन्नू भी आएंगे लंच पे, तो उन लोगों से भी आपको मिलाएंगी। तो अभी करते हैं जल्दी से यहाँ की चादर चेंज, फिर जाएंगे अंदर, अंदर कमरे की चादर चेंज करेंगे। माँ पापा लोग आ रहे हैं तो उनको सब साफ साफ दिखना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं जल्दी से कर देती हूँ चादर चेंज। मैं अभी यहाँ की चादर चेंज करती हूँ, देखती हूँ कहाँ रखी होगी माँ ने, तो शायद इसके अंदर होगी। बेड के पर खोल के देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती है। तो गाइस हम लोगों का नाश्ता हो चुका है और दिन का खाना भी हो गया तैयार, और अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर और अब मैं करूँगी अपना ऑफिस का काम। तो मैं अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे दिन में लंच टाइम पे। तो माँ आई है आज हमसे मिलने के लिए, माँ ने कहा कि कोई नहीं है घर पे, और यहाँ माँ फ्रूट्स भी ले आई हमारे लिए। जब भी घर में फ्रूट्स कम हो जाते हैं ना तो हम किसी ना किसी को बुला लेते हैं कि आपकी याद आ रही है, तो ऐसे आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है भाई, हम भी खर्चा करते हैं, नमकीन बिस्किट मंगाने पड़ते हैं है ना। और आज माँ टाइम निकाल के आई है बच्चों से मिलने के लिए। कैसे हो माँ? बढ़िया, तबीयत वगैरह ठीक? पापा कैसे हैं? पापा भी ठीक। तो आज माँ का भी लंच यही है, और राधा भाभी को भी हमने बोल दिया है कि जब माँ आएगी तो यही खाना। तो राधा भाभी भी आएगी अभी, माँ से भी मिलेगी और यही लंच करेगी हमारे साथ। तो मिलवाते हैं आपको भाभी से भी जब वो आएंगी। और दिव्या भी आ गई है यहाँ, माँ से मिल गई है। पैर वैर छू ले? नहीं नहीं छुए, फिर ठीक है, मुझे लगा पैर छू लिए। यहाँ तैयारी हो रही है खाने की, और भाभी आज बड़ी खुश है मम्मी के आने पर, और माँ वेट कर रही है कि कब खाना जल्दी तैयार हो। कर रहे हो माँ? खाना है? अरे इतनी बढ़िया राजमा बना रखी है माँ। अरे लो माँ खाना खा के आ गई, पर आप जब यहाँ आई रहते तो रुक जाते आज? पापा केले खाते थे घर पे। क्या? पापा केले खाते थे घर पे, पार्टनर चाहिए ना। केले खा लेते, क्या हो गया? केले खाते, सेब खाते, उससे इतनी बढ़िया राजमा छोड़ दी माँ ने। देखो गाइस राजमा का कलर देखो, कलर देखो राजमा का, बिल्कुल कड़ी जैसा लग रहा है। यहाँ रायता भी बन के तैयार है बूंदी वाला। तो यहाँ बेल बजी है, देखते हैं कौन आया, शायद अनुज। ओ अरे ये है तन्नो, इसको तो राजमा की खुशबू ना वहीं तक आ जाती है। तेरी मम्मी इनवाइटेड थी, तू क्यों आ गई भाई? अरे इसको पता ही नहीं, आ गई भाभी। यही है वो दुल्हन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये भी मिलने आई है आज भाभी की मम्मी से मिलने आई है ये भी। अब भाभी के बर्थडे पे क्यों नहीं आई तू? भाभी के, राधा भाभी के बर्थडे पे है। वैसे तो तू बड़ी बेस्ट फ्रेंड बनती फिरती है तन्नो की, है सरदर्द की दवाई दो। सरदर्द की दवाई दो, सरदर्द तेरे आने से जो हमें हो रहा है।
और अभी आपको इसकी शादी के ब्लॉग देखने को मिलेंगे बहुत सारे अक्टूबर में। इसकी शादी तो तैयार है ना, हमारी ब्राइड वो बोल रहे हैं तैयार तो इसको होना है, हम क्या तैयार हैं, लोग तैयार रहेंगे ना शादी वाले ब्लॉग आएंगे तो। और मैंने तो सिलवा भी लिया निक्की। क्या सिलवा लिया? मैंने तो अपने लिए वो सिलवा लिया कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा? हाँ, बस पैसे देने हैं तुझे मुझे, मैं उसको दे के आ जाऊंगा टेलर। ठीक है, तो अब सब आ गए हैं तो जल्दी से खाते हैं खाना। तो गाइज यहाँ माँ और भाभी बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, और इधर हम सभी बच्चे बच्चे बैठ रहे हैं, बस भाभी बूढ़ी है, बाकी हम सब बच्चे बच्चे बैठ रहे हैं, है ना भाभी की? भाभी के लिए कुछ स्पेशल बन के आया है आज घर से, और यहाँ ये लोग भी बैठ रहे हैं, मैं भी बैठता हूँ, खाना खाते हैं और फिर हम बताते हैं। और ये देखिए, ये माँ बना के लाई है घर से भाभी के लिए, ये है चचिंडा जो कि भाभी ही खाएगी। तनु चचिंडा खा खा चचिंडा। देखो गाइस मैं खाती हूँ, ठीक है? अभी मन नहीं कर रहा, अभी मन नहीं कर रहा। निक्की खा चुकी है। निक्की कैसा बनाए? निक्की तारीफ कर दे। अच्छा बनाया, मैंने बनाया यार, और तभी तो पूछ रहा हूँ। हाँ तभी तो, अरे मैंने बनाई है यार, बता कैसी बनी है, जल्दी बता। एकदम बैलेंस्ड मिर्ची और बैलेंस्ड नमक है इसमें, और टेस्ट बताना किसने बनाया। मैंने बनाया, तेरे को भाई भी यकीन नहीं, इसने बनाया। अच्छा, तो आइए जानते हैं माँ से। माँ ने खा लिया खाना। माँ कैसी बनी थी राजमा? बहुत अच्छी है। खाना टेस्टी बना था ना? भाभी कैसा बना था? मजा आया बहुत। मुझे तो इतनी बढ़िया लगी ना, बाकी इनसे जानते भाभी कैसी थी? हम तो खाते ही रहते, फिर भी आज वाली हमेशा ही बनता है हमारे घर में, कभी गंदा खाना बनता है हमारे घर में, हमेशा एवन खाना बनता है। हाँ, लेकिन आज राजमा का जो स्वाद था, आइए जानते हैं। ऐसी राजमा खाई है कभी? ऐसी राजमा तो मैंने नहीं खाई, पर गाइस आप समझ रहे हैं राहुल भैया इतनी तारीफें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरी बीवी ने बनाई, प्यारी बीवी ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाई है। लेकिन सच में राजमा कैसी? राजमा बहुत अच्छी बनी। चलो आइए, निक्की से 100 रुपए लेते हैं। निक्की राजमा चावल 100 रुपए प्लेट है, हम बाद में बताते हैं खाने के। प्लीज, नहीं नहीं, हंसी मजाक अलग चीज है, अपनी तू दोस्त होगी, इसकी हमारी कुछ नहीं। लेके नहीं आई थी 100 रुपए, इसलिए उसने एक प्लेट पूरी भी नहीं खाई है। 50 दे दे, तेरी दोस्ती तन्नु के साथ होगी। यहाँ भाई कोई दोस्ती नहीं थी, यहाँ कोई दोस्ती दास्ती नहीं है। 100 रुपए निकाल, उसका प्राइस पहले बता दो, मिठाई के 50 रुपए लग देने पड़ेंगे। ठीक है, 150 रुपए हो गए तेरे, इसके सगन में काटते रहना भाई, इसको जितना सगन लिखवाने काटते रहना। 100 रुपए चढ़ गए। और गाइस देख सकते हैं, आज टाइम से पहले ही कोई लड़का आ गया है वापस, और वो किस वजह से आया है वो जानते हैं अनुज से। क्यों आया अनुज तो इतनी जल्दी? राजमा चावल। ये देखो, तो भाई इस बंदे को राजमा चावल इतने पसंद है ना, उसके चक्कर में ये ऑफिस से छुट्टी लेके आ गया। ये बोल के कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तेरे ऑफिस वाले देखेंगे ना अगर व्लॉग, तो निकालना दे तेरे को। निकालने दे, कोई दिक्कत नहीं है। राजमा चावल के आगे बड़े से बड़े रिस्क लेने को तैयार है। वाह, फिर जब तेरे भाई को नौकरी से निकाल दिया जाएगा ना, तो फिर तो भाई खुद राजमा चावल का स्टॉल लगाएगा। फिर वही राजमा चावल का स्टॉल लगाइए, ठीक है? और बर्तन धोने वाला दे दूंगा मैं तेरे को, ना है ना? हाँ, वही कैमरा वही गया। अनुज आ चुका है जल्दी, और ये लोग यहीं बैठ गए हैं। गाइस मैं धीरे बोल रहा हूँ, शायद इनको आवाज नहीं आए। ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे भाई, खा लिया खाना, अब तो जाओ अपने अपने घर। मैं तो जाती ही नहीं हूँ ना। नहीं, तेरे को थोड़ी ना बोल रहा हूँ। इसको बोल रहे हो? हाँ वही तो, बस वो तो इस वजह से इसके मुंह पे नहीं बोल पा रहा, क्योंकि अभी इसने कार्ड देना है शादी का। अंदर चल रही है गप्पे, और यहाँ माँ और भाभी की चल रही है गप्पे, और दिव्या भी लगा रही है छुई इनके साथ। राजमा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पहले लगता था कि मम्मी हमारा बहुत टेस्टी राजमा बनाते हैं, बट नो डाउट दिव्या भी बहुत टेस्टी राजमा बनाती है, बहुत ज्यादा टेस्टी। और अगली बार दिव्या दीदी एक कटोरी ज्यादा से देना। नहीं, जब इसने बोला मेरे को कल की इसने राजमा बनानी है, तो मैंने इसे पहले ही बोल दिया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, पर मेरे लिए राजमा बिछा के रखे। राजमा हमेशा बहुत टेस्टी। मीटिंग छोड़ के आए हैं तो आज तो बहुत ही ज्यादा तारीफ सुन ली थी मैंने। मैंने टेस्ट भी भैया से ही करवाई थी, सुबह जाते हुए उन्हीं से चेक करवाया था, पहला भोग उन्हीं को लगा है राजमा का। और यहाँ देख सकते हैं चाय की भी तैयारी हो रही है, माँ और चाची वगैरह सब अंदर है। तो 4 बज चुके हैं, और वैसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ राजमा ही, कल इसने मिक्स वेज बनाई थी, और ऐसी बनाई थी जैसे शादियों में नहीं बनती, मजा टेस्टी जैसे शादियों में बनती है। तो एक शायद कमेंट भी आया था कि दिव्या को शादी से पहले कुछ नहीं आता था खाने में बनाना, लेकिन अब जब सीखी है तो वो बहुत अच्छे से सीखी है। दिव्या तूने अपने पति की नाक और कॉलर ऊंचे करवा दिए, वेरी गुड। चावल भी खा लिए, चाय के टाइम तक भी ये यही है।
पर कोई नहीं, क्या करें, अभी कार्ड आना है शादी का। वो पराए घर जाने वाली, तो हम उसको भी खुश कर रहे हैं ना। अच्छा, पता नहीं कब आएगी ऐसे। पहले बहुत आती थी, पर अब बहुत टाइम बाद आई है हम लोगों से मिलने, तो आज मैं आती रहूंगी अक्टूबर तक। और इसने बोला कि आज मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करके ही जाऊंगी, तो अभी अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जब ये मायके आया करेगी तब हम दिखाएंगे, कभी कभी मिलेगी। मुझे लंच पे बुलाओगे? लंच पे नहीं बुलाएंगे, इसने खुद ही बोल दिया। इसने खुद ही बोल दिया उसके बाद आप मुझे लंच पे नहीं बुलाओगे, ठीक है, जैसी तू बोलेगी वैसी करेंगे। तो दिव्या, तूने चाय बनाई लेकिन दी क्यों नहीं अभी तक? चाय तैयार है, अभी कुछ चीज भैया लेने गए हैं, अपनी सास की सेवा कर रहे हैं ना, इम्प्रेस कर रहे हैं सास को। आप क्यों इम्प्रेस कर रहे हैं, अब तो हो गई शादी, फिर भी करना पड़ता है ना। जैसे परसों मैंने अपने ससुर को किया था। समोसे लाके तो भैया अभी लेने गए हैं, और आज फिर हम जंक फूड खाने वाले हैं रोज की तरह। खाना नहीं चाहते पर क्या करें, कोई कमेंट्स के लिए तैयार है ना। तन्नू है ना, तन्नू जब भी आएगी बोलेगी दीदी ये खिला दो वो खिला दो, तन्नू की वजह से ही होता है तो खर्चा। ये हमारा आधा खर्चा तो ना इसकी वजह से होता है, पूरा बजट हिल जाता है हमारा जब भी आती है, मोमोज ये वो। तो क्या हो गया गाइस, आप भी खाओ जंक फूड को और बढ़ाओ। और इनकी तरह हो जाओ, दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह हो जाओ। है गाइस, यहाँ देख सकते हैं आज हमारी हो रही है माँ के चक्कर में समोसा पार्टी। कैसे है माँ समोसा? बढ़िया। तेरी सहेली जा क्यों नहीं रही, समोसा खा के जाएगी। इतना दिमाग खा लिया, अब समोसा भी खाना है इसने। है ओ क्या, निकलो चलो, हो गया, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, पापे खा लो। तो यहाँ हो रही है हमारी समोसा पार्टी, जो जल्दी से खाते हैं समोसा, फिर हमें जाना भी है स्विमिंग क्लास में। तो गाइस हम लोगों ने समोसे खा लिए और काफी टेस्टी समोसे थे, चौमिन वाले समोसे। और यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज बना रही है दिव्या। दिव्या फ्रेंच फ्राइज बना रहे हो? हाँ, फ्रेंच फ्राइज भी बन गए। तो ये घिया बना रही है तल के, तो रात के खाने की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें निकलना है स्विमिंग के लिए। तो टाइम हो गया है 6:30, और 6:30 तक वैसे हम पहुंच जाते हैं वहाँ। तो आज हमारे साथ तन्नू भी जा रही है स्विमिंग पूल में, और इसको तैरना आता है बहुत अच्छा, बिल्कुल मछली की तरह तैरती है ये डायनासोर। और गाइस निक्की भी जा रही है, और आज इसने बहुत कुछ सीखा शादी से रिलेटेड हमसे, तो आई होप कि इसका अच्छा चले। तो इसने बहुत कुछ सीख लिया हमसे, और माँ भी कह रही है कि अब निकल रही है। बाय बाय बच्चों। तो बस विदाई लेते हैं माँ से भी, और काफी अच्छा लगा माँ से मिलके। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और आते रहना, ठीक है? तो सभी से विदाई लेते हुए माँ, अच्छा माँ, अच्छा माँ, बाय। सो गाइस स्विमिंग करके हम लोग आ चुके हैं घर वापस, और आज 1 घंटे की जगह हमने 2-2 घंटे स्विमिंग कर ली। मेरे बाल देखो गाइस। तो गाइस ज्यादातर ऐसा होता है कि जब भी राजमा बनती है घरों में तो रात को भी लोग वही खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आज राजमा इतनी टेस्टी बनी ना कि हमने मतलब सारी खत्म हो गई, दिन में ही खत्म हो गई, हमने रात के लिए बचाई नहीं। और अब श्लोक की डिमांड आ रही है कि मुझे राजमा खानी है। अच्छा, तो दीदी को बोलो दोबारा बनाए। दोबारा से तो बनाएंगी, पर रात के लिए जो सब्जी है ना उसको तो सोच के ही मन ऐसा हो गया ना, मतलब किया दिन में इतना अच्छा खाने के बाद अब रात को घिया खाना पड़ेगा। और गाइस ये घिये की सब्जी के साथ खाना खाना पड़ेगा। तन्नु कैसी बनी है? बहुत ज्यादा टेस्टी। सही बताया यार, राजमा से भी अच्छी। चल ज्यादा हो गया, हाँ सही है घिये की, ज्यादा नहीं यार। चलो खा ही लेते हैं गाइस, खा ही ले। आज तो लग रहा है रोटी और दही खानी पड़ेगी, सब्जी सब्जी तो अचार की तरह खाऊंगा मैं लगा के। चलो खाते हैं फिर गाइस। यहाँ हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, और अब हम जा रहे हैं तन्नू को छोड़ने के लिए उसके घर। आज पूरा दिन इसने हमारे साथ ही बिता दिया यहाँ, अब 3 दिन तक दिख मत जाइयो यहाँ, समझी? ठीक है, देखो यहीं पड़ी रहेगी, यहीं पड़ी रहेगी, कोई और काम दाम नहीं, जल्दी शादी करो, जाइए यहाँ से शादी करने के लिए। तो गाइस हम लोग तन्नू को छोड़ के आ चुके हैं घर वापस, और आज का दिन हमने बहुत एंजॉय करा। भाभी की मम्मी भी आई थी, राधा भाभी भी आई थी, और तन्नू भी आज पूरे दिन हमारे साथ रही, तो काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को भी, और काफ़ी अच्छा अच्छा खाना खाया आज हमने, तो काफ़ी एंजॉय करा हमने आज का दिन। अगर आपको भी अच्छा लगा ये व्लॉग तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।